हे गाइस, कैसे हो आप लोग। और ये देसी मुर्गियों का मैंने इनक्यूबेटर बनाया है, इसमें आराम से आप 50 अंडे तक रख सकते हैं। इसको बस आपको अंदर जो है टर्न करना पड़ेगा, मैनुअल है। तो अभी फर्स्ट मेरा है एक्सपीरियंस ये, तो देखते हैं कैसा जाता है। जो मेरी प्योर देसी मुर्गियाँ थी वो कुड़क नहीं हो रही थी, क्योंकि मे बी इसमें बहुत सारे मुर्गे थे FFG वाले, एंड बहुत सारे जो ज़्यादा हो गए थे मतलब कैपेसिटी, तो मे बी डिस्टर्ब हो रहे होंगे इसलिए कुड़क नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि खुद ही इसको मशीन में बना के इनक्यूबेटर, एंड इसको इनक्यूबेट किया जाए। ठीक है गाइस, तो अभी मैंने ऐसे 20 अंडे रखे हुए हैं। ये फिश वाला जो बॉक्स आता है कार्टन, उसको मैंने लिया हुआ है और टूटा फूटा था, अच्छे साफ़ करके इसको सर्व से इसमें फ़ैन लगाया है। और ये W1209 जो थर्मोस्टेट है वो लगाया है, जैसे आपने देखा भी टेम्परेचर कम होने पे ऑटोमेटिक बल्ब जल जाता है, और ये फ़ैन लगाया है, अभी खोल के दिखाऊंगा मैं। वो एडाप्टर लगाया है 12 वोल्ट का सॉरी, और एक बल्ब लगाया, देखिए अपने आप जल गया। 37.0 से लेके 37.7 की रेंज है, मतलब 37.7 तक ये गर्म करता है, और 37.0 से नीचे जाएगा तो बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे अभी। तो मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। अभी इसका सेकेंड डे है, पहला दिन कल था। तो इसको मैं मैनुअल टर्न करता हूँ सुबह और शाम के टाइम पे, खोल के दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये बल्ब है और ये फ़ैन है, DC फैन, और ये वाटर रखा है मैंने, एंड इसको हम टर्न कर देते हैं ऐसे ऐसे करके, थोड़ा थोड़ा फटाफट टर्न कर देते हैं इसको। तो यही काम जो है थोड़ा मैनुअल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कितना टाइम लगता है ये, 2 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो इस तरह से हम सारे अंडों को सुबह भी टर्न करना है एंड शाम को भी टर्न करना है। ठीक है, ये देखिए एक अंडा इसमें ख़राब हो गया था, फिर भी रखा हूँ मैं अभी। 2 अंडे दरअसल चिपक गए थे, ठीक है गाइस। तो हमने टर्न कर दिए हैं इनको अच्छे से। ये देखिए थर्मोस्टेट जो ऊपर है उसका सेंसर है, ज़्यादा देर तक हम खोलेंगे नहीं इसको, नहीं तो फर्क पड़ सकता है कुछ रिजल्ट में। ठीक है गाइस, तो इसको अभी बंद कर देते हैं, टेम्परेचर कम हो गया काफ़ी। अच्छे से इसको क्लोज कर देंगे चारों तरफ से। देखिए टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा, अभी 29.6 दिखा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ये क्लोज कर दिया। वैसे हमने ऑक्सीजन के लिए इधर 5 होल इधर करे हैं और 5 होल इधर भी करे हैं और 2 होल ऊपर भी किए हैं हमने, देखिए। और ये डिस्प्ले प्लास्टिक के लगाया है मैंने, 60% 55 to 60% अभी ह्यूमिडिटी इसमें बन रही है, और बाकी अब इधर से देख सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले में टेम्परेचर देखिए बढ़ता हुआ। तो ये सेकेंड डे था, आपको फिर अपडेट करूँगा धीरे धीरे। ठीक है गाइस, सी यू।